राजस्थान के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन कर रही शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा के स्वास्थ्य में गिरावट के बाद पुलिस ने बीती रात जबरन उठाकर उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। देर रात करीब 3 बजे भारी संख्या में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन को छाबड़ा समर्थकों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस द्वारा छाबड़ा को सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक जांच कराने के बाद बीकानेर PBM हॉस्पिटल के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है, जबकि हॉस्पिटल में भी छाबड़ा ने मांग पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन जारी रखने की बात कही है। एक और जहां शराब मुक्ति आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूजा छाबड़ा अपनी मांग पर कायम है, तो वही चिकित्सकों की टीम छाबड़ा के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। पूछ लो आप, चले बिना ऐसे भी नहीं जा सकते आप। जाना चाहती है कि नहीं? गाड़ी तोड़नी है फिर पूछो। पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे जबरन अनशन स्थल से उठाया गया था और मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे कहाँ लेकर आ गया। बीकानेर ICU में मुझे यहाँ पे एडमिट किया गया है। मैं सूरतगढ़ की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि आपके लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगी। सूरतगढ़ जब तक जिला नहीं बन जाता तब तक मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा।